हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखा आए। तो हाँ आपको बिना हींग और फिटकरी के चोखा रंग चाहिए चाहिए बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कि नहीं चाहिए? हाँ देखिए देखिए, बिल्कुल मैं जो है घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूँ, सही बात लेकिन यदि पानी की पीने की इच्छा उसमें नहीं है तो आप नहीं ऐसे पिलाएंगे, घोड़े से मैं दूरी रखना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरी बात समझ रहे हो? हाँ 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 पानी तक ले जाके उसे पानी का भरपेट पानी मिल जाए, ये व्यवस्थित करना मेरी जो है ना वो जिम्मेवारी है। लेकिन ऐसे घोड़ों से हम अपनी दूरी बनाए रखना चाहेंगे जो छदम व्यवहार के तहत उन्हें पानी पीना ही नहीं है, वो वर्तमान दुष्ट व्यवस्था से जूते लाते खाते हुए अपमान तिरस्कार सहते हुए उन्हें यदि आनंद आ रहा है तो मैथिली शरणगुप्त इस आनंद से आपको वंचित नहीं रखना चाहे। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं कर्नल साहब। एक राजा थे, वो बहुत दुखी रहते थे, उनको ये लगता था कि उनकी प्रजा बहुत भोली है और मैं तो अच्छा राजा हूं, यदि मेरे बाद कोई खराब राजा आ गया तो मालूम नहीं हमारी जनता का क्या होगा। तो वो इस गुंताड़े में लगे रहते थे कि हम अपनी प्रजा को कैसे जगाएं। तो उन्होंने सोचा कि एक कोई उलझुल आदेश जारी कर देते हैं, जनता उससे जागेगी। तो उन्होंने आदेश दिया कि महल के सामने से जो रोड जाती है, पुलिया क्रॉस करने के पहले 5 जूते लगाए जाए। ठीक एक महीने बाद जो है विद्रोह हो गया। तो मंत्री ने खबर की कि साहब पब्लिक में विद्रोह हो गया है। बोले बहुत अच्छा हुआ। बोले आप लोग बात नहीं करेंगे, आप आम सभा गृह में सभी को बुलाइए, मैं उनसे सीधे बात करूंगा। सभी को आम सभा गृह में इकट्ठा कर दिया गया। राजा ने कहा कि आप लोग आंदोलित तो दिख रहे हैं, जरूर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप में से कोई जो भी आपके बिहाफ पे बोलना चाहता है वो मुझे ये समझाए कि क्या गलत है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इसी सभा गृह में आपका जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो उनमें से एक नेताजी जैसा व्यक्ति था, वो उठा। उसने कहा हुजूर, जो आप 5 जूते लगा रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने जूते लगाने के लिए केवल 2 लोग रखे हैं तो हमें जो है घंटों इंतजार करना पड़ता है, तो हुजूर से निवेदन है जूता लगाने वालों की संख्या बढ़ा दी। बेचारे राजा ने अपना सिर पीट लिया। शायद हम लोगों को जो वर्तमान व्यवस्था जो कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अंग्रेजों की वही शोषक व्यवस्था है, हम और आपने जो नौकरी की है उन्हीं अंग्रेजों के घटिया कंडक्ट रूल के तहत की है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्तमान व्यवस्था या दुर्व्यवस्था से अपमान सहने में, जूते खाने में, लाते खाने में, भ्रष्टाचार सहने में यदि आनंद की अनुभूति हो रही है तो मैथिली शरणगुप्त को बात लगता है, मैथिली शरणगुप्त को लगता है कि अभी हमें इंतजार करना होगा। करना पड़ेगा, सही बात है। जब तक हाँ जनता ये ना माने कि भाई साहब हाँ इतने सरल उपाय के तहत जिसमें हमारी ना हींग लग रही है ना फिटकरी लग रही है और रंग चोखा अपने आप आ जा रहा है, फिर भी उसे रंग चोखा नहीं चाहिए, तो मैथिली शरण गुप्त को अपने प्रयास को अपनी गति से चलने देना चाहिए और उस समय का इंतजार करना चाहिए जब इन्हें रंग चोखा चाहिए हो। सही बात है, सही तो अब हम आपको एक छोटी सी भाषा में बता दें कि हमें आपसे क्या चाहिए और बात है। कुछ करने से आप 10वें दिन इस स्थिति में आ जाएंगे कि महापरिवर्तन हमारे इन